तो आज हम लोग चैलेंज करने वाला है लिविंग ऑन 100 रुपीज फॉर 24 आवर्स। तो गाइस इस चैलेंज में चीज इतना होने वाला है कि मैं पानी भर का नहीं पीऊंगा, क्योंकि अगर मैं पानी भर का पीऊंगा तो मेरा 100 रुपीज पानी में ही चले जाएंगे, मैं कुछ खा ही नहीं पाऊंगा। तो इसलिए मैं पानी सिर्फ घर का पीऊंगा। और हाँ, तो चलो अभी ब्रेकफास्ट का टाइम हुआ है 9 बजे, तो चलो जाते हैं दुकान पर, कुछ ब्रेकफास्ट के लिए कुछ खाने का लेके आते हैं। चलो हम लोग ब्रेकफास्ट लेने के लिए जाए, उससे पहले आप लोग ये देखिए गाइस हमारे बर्ड्स 12:30 को हम लोगों ने खाना दे दिया, उन लोगों को ब्रेकफास्ट दे दिया। और ये देख सकते हो आप लोग चारों पे चारों केज की साइज देख सकते हो आप लोग, हम लोगों ने कितना बड़ा केज दिया इन लोगों को, फुल स्पेस मिले। इसलिए आप लोगों को पता ही होगा कि हम लोग सूरत से, तो सूरत के सूरती इसकी पहली इच्छा जो होती है ब्रेकफास्ट में वो होती है खमल। तो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं सेव खमल लेने के लिए, आप लोग देख सकते हो भाई। तो हम लोग अभी सेव खमल लेने के लिए आ चुके हैं, तो चलो सेव खमल लेते हैं दुकान से और जाते हैं घर। गॉडगढ़ जाके खाएंगे, यहाँ पे खड़े रहकर कहाँ खाएंगे यार, खड़े जाके अच्छे से खाएंगे। लोग यहाँ पे दुकान से ले रहे हैं इसका खमल और लस्की से, भैया जी हमारे लिए खमल निकाल रहे हैं, तो चलो खमल लेते हैं और चलते हैं घर, घर जाके खाएंगे। तो हम लोगों ने सर्व कर लिया, आप लोग देख सकते हो। तो चलो फटाक से इसको खत्म करते हैं, और इसमें मेरे 30 रुपये चले गए, पूरा पूरा 30 रुपये चले गए। अब 70 रुपीज़ में मेरे को पूरा दिन निकलने वाला है। तो चलो सौरभ जोशी का व्लॉग हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया, और अब फटाक से हमारा ब्रेकफास्ट खत्म करते हैं। चलो आप लोग सिनेमेटिक एंजॉय करिए। तो हमारा ब्रेकफास्ट खत्म हो चुका है, देख लो तो हम लोग पूरा हम लोग खत्म कर दिया, सारा का सारा पूरा ब्रेकफास्ट हम लोगों ने खत्म कर दिया। तो चलो अब लंच के टाइम पे मिलेंगे आप लोगों को, बाय बाय। थोड़ी देर टाइम पास करने के बाद अब हमारा लंच का टाइम हो चुका है, तो चलो गाइस तो लंच करने के लिए जाते हैं हम लोग। तो मैंने सोच रखा है कि शायद इस टाइम पे हम लोग खावसा खा लेते हैं। चलो खावसा खाने के बाद थोड़ा सा हमारा पेट भर जाएगा, तो चलो मिलते हैं खा दुकान पर जाके। हम लोग आ चुके हैं गणेश में देख सकते हो आप लोग, यहाँ पर गणेश में हम लोग अभी आए हैं खावसा खाने के लिए। चलो गाइस तो अंदर चलते हैं और मिलते हैं हम लोग जाके। तो गाइस तो हम लोगों ने खावसा ले लिया, चलो भाई साहब खावसा, हम लोग खावसा खाने के लिए आ चुके हैं। आप लोग देख सकते हो ये जगह है, तो चलो गाइस तो फटाफट से खावसा अभी ख़त्म करके हम लोग गाइस, तो चलो इसको फटाफट से खाते हैं। मैं ऐसे पहली बार खाने के लिए आया हूँ अकेले, और ऐसा ब्लॉगिंग करना तो मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि मैं ऐसा पहली बार अकेले खाने के लिए आया हूँ और मैं अकेला खा रहा हूँ। आज आस पास वाले मेरे को देख रहे होंगे मैं ऐसा व्लॉग कर रहा हूँ, तो चलो इसको फटाक से कंप्लीट करते हैं, बाद में मिलते हैं। अभी मैं दुकान से थोड़ा आगे आ चुका हूँ, और मैंने अपना लंच तो 30 रुपीज़ में कंप्लीट कर लिया, तो हम लोगों ने खावसा खा लिया यार 30 रुपीज़ में। तो चलो हमारा लंच भी हो गया, तो अब रात को मिलते हैं डिनर के टाइम पर। चलो गाइस तो देखते रहे हम लोग डिनर में क्या करते हैं। अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 40 रुपीज़ बचे हैं, तो 40 रुपीज़ में हम लोगों को डिनर करना है, तो 40 रुपीज़ में क्या हमारा डिनर हो पाएगा। हाँ, और उसके बाद हम लोग डेजर्ट भी ट्राई करेंगे। चलो तो डेजर्ट भी 40 रुपीज़ में और डिनर भी हमारा 40 रुपीज़ में हो जाना चाहिए, तो चलो मिलते हैं डिनर के टाइम पर। अभी मैं वीडियो एडिटिंग क्लास और जिम जाके आ चुका हूँ, तो बहुत भूख लगी है जिम से आने के बाद, तो चलो कुछ खाने के लिए चलते हैं बाहर। मैंने बहुत सोचा, मेरे माइंड में 2 चीज़ें आई है, तो चलो वही चीज़ें हम लोगों को खानी पड़ेगी, क्योंकि बजट हमारा बहुत लो है। तो चलो चलते हैं बाहर और मिलते हैं बाहर जाके। तो हम लोगों ने सोच लिया कि हम लोग खाएंगे ब्रेड पकौड़ा, तो ब्रेड पकौड़ा खाने के लिए आ चुके हैं। आप लोग देख सकते हो ये दुकान है वैशाली फास्ट फूड कॉर्नर, तो उधर हम लोग ब्रेड पकौड़ा खाएंगे, क्योंकि जो ब्रेड पकौड़ा है वो सिर्फ और सिर्फ 15 रुपये मिलता है, तो चलो वो 15 रुपये कर सकते हैं। और दूसरा क्या करते हैं वो आप लोग घर जाके देखते हैं। वैसे मैं 2 पकौड़े भी ऑर्डर कर सकता था, लेकिन 2 ब्रेड पकौड़े खा के यार कैलोरी उसमें ज़्यादा आती, तो मैंने सोच लिया कि 1 पकौड़ा खाऊंगा और बाकी ये जो पैसे बचेंगे 15 रुपीज़ जो मैंने डिनर के लिए रखे हैं वो उसके हम लोग मैगी खा लेंगे। चलो गाइस तो आता है पकौड़ा तो खाते हैं, लोगों ने खाता है पकौड़ा आ चुका है, तो चलो उसको खाते हैं ब्रेड पकौड़ा, ये देख सकते हो आप लोग। तो चलो इसको फटाक से खाते हैं, आप लोग देखिए सिनेमेटिक। चलो पकौड़े की प्लेट एकदम फिनिश हो गई है, तो अब घर जाके मैगी भी खानी है, क्योंकि हमारा पेट इसमें तो भरा नहीं है, तो चलो घर जाके मैगी खाते हैं। अभी हम लोग आ चुके हैं मैगी लेने के लिए, क्योंकि हमारा पकौड़े से पेट नहीं भरा था, तो मैगी खाते हैं। चलो 12 रुपये की, तो चलो मैगी लेते हैं और चलते हैं भैया के पास। मैगी अपन मैगी कितना हाँ 12 रुपये। गैस तो अभी हम लोग बना रहे हैं मैगी, तो चलो फटाक से गैस स्टार्ट करते हैं।
मेरे को लगता था कि मैगी 12 रुपए की आती है, लेकिन नहीं 14 रुपए की मैगी आई है। तो अब आई थिंक 1 रुपया ही बचेगा हमारा सब कुछ खाने के बाद। मेरे को लगता था चल 3 रुपए बचेंगे, लेकिन गाइस गलत हुआ हमारी बात। अब बचेंगे सिर्फ कुछ 1 रुपए डेजर्ट खाने के बाद। तो मैगी बनाने के बाद हम लोग डेजर्ट खाने के लिए जाएंगे। स्टार्ट कर दिया और अभी हम लोग खा रहे हैं अपनी डिनर वाली मैगी। तो चलो फटाक से मैगी कंप्लीट करते हैं और उसके बाद हम लोग जाएंगे डेजर्ट खाने के लिए। तो डेजर्ट आई थिंक 10 रुपये में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मैगी तो 12 की जगह हम लोगों को 14 की आई है, क्योंकि उसका प्राइस जो बढ़ गया। तो अब 1 ही रुपये बचेगा आई थिंक। तो चलो तो मैगी फटाक से कंप्लीट करते हैं हमारी और जाते हैं डेजर्ट खाने के लिए। गाइस तो हम लोगों ने मैगी अब ख़त्म कर लिया, तो चलो चलते हैं डेजर्ट खाने के लिए। चलो वहाँ पे जाके मिलते हैं। डिनर में हम लोगों ने मैगी और ब्रेड पकौड़ा खा लिया, तो उसको खाने के बाद हम लोग आ चुके हैं कुल्फी खाने के लिए ऐसा डेजर्ट। तो चलो कुल्फी वाले भैया से कुल्फी लेते हैं जो 10 रुपये की आती है। तो 10 रुपये में हमारा डेजर्ट भी हो जाएगा। तो चलो हमारा डेजर्ट फटाक से खाते हैं। बहुत जो है मुझे ठंडी भी लग रही है। चलो फटाक से अपना डेजर्ट कम्प्लीट करते हैं। चैलेंज यहीं पे ख़त्म हो रहा है और चैलेंज के ख़त्म होने के बाद हमारे पास बचा है 1 रुपया और चैलेंज हम लोगों ने फाइनली सक्सेसफुली कंप्लीट कर दिया। थोड़ा मुश्किल रहा था क्योंकि मैं खाने के बिना जिम नहीं जा सकता था, लेकिन आज पहली बार गया। तो चलो कोई बात नहीं। तो चलो गाइस तो आज की वीडियो का अंत यहीं पर होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, जय हिंद जय भारत, बाय बाय।